नमस्कार, सुनील शिरसिकर बात कर रहा हूं मैं। मेरा रेडियो स्टेशन का नाम है शारदा कृषि वाहिनी। ये 19.8 पे लोकल लोगों के लिए सुना जा सकता है और ये कृषि विज्ञान केंद्र बारामती महाराष्ट्र का रेडियो स्टेशन है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र नेशनल अवार्ड विनिंग कृषि विज्ञान केंद्र है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलाया जाता है और इस संस्था का मोटो है एग्रीकल्चर में किसानों के लिए जो सबसे बढ़िया टेक्निक है, जो सबसे बढ़िया जानकारी है, वो उन तक पहुंचाना। बेसिकली ये रेडियो तो किसानों के लिए ही ज्यादातर काम करता है। तो किसानों के बारे में जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो जो किसानों के लिए योजना लाता है या कोई भी जानकारी है, तो वो किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम हम हमारे जिम्मे लेते हैं और वो हम बहुत ही तकनीकी तरीके से उनको उसमें इन्वॉल्व करके ले लेते हैं। जैसे अभी FDI का था, तो FDI किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है ये हमने उसमें दिखाया था। उसके बाद अभी स्टेट गवर्नमेंट में हमें सेंद्रीय खेती का एक नया योजना स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बारे में भी हमने रेडियो पे प्रोग्राम रन कर दिया था। तो जो लोग हैं वो खुद भी हमारे स्टेशन पे आ जाते हैं और हम भी कई बार किसानों के खेत में जाते हैं, किसान कम्युनिटी में जाके बैठते हैं। रात को जो फ्लोक सॉन्ग रहता है, उनका लोक गीत रहता है, जो गाना बजाना रहता है, वो भी हम रिकॉर्ड करके हमारे रेडियो स्टेशन पे बजाते हैं। तो वो ज़्यादा खुश होते हैं कि अपना आवाज़ अपने को सुनाई दे रहा है। तो ऐसे लोकल इवेंट हम हमारे रेडियो से ज्यादातर लोगों के लिए पहुंचाते हैं। हर एक रेडियो स्टेशन का यही मानना है कि थोड़ा सा सस्टेन होने के लिए फंड्स की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो है तो कम्युनिटी से तो हम कुछ ले नहीं सकते और हमें तो खर्चा करना होता है। तो सस्टेन के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट से मदद मिले। उसके बाद DAVP का है, जो उसका एडवर्टाइजमेंट है वो मिलने के लिए सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, लेकिन हमारी NGO है तो हमें वो नहीं मिल पाता, इस वजह से हमें DAVP से ऐड भी नहीं मिलती। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ हो जाए। और सबसे बढ़िया हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 7 या 8 रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन महाराष्ट्र में काम करते हैं, वो अलग अलग पर्पज के लिए है। तो अगर ये सब कॉमन ईड़ा की तरह एक कॉमन फोरम बना के काम करे और प्रोग्राम आदान प्रदान करे, तो थोड़ा सा उसमें सस्टेन होने के लिए भी काम हो सकता है।